हेलो डियर फ्रेंड्स, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू एट आवर नेक्स्ट एनएमसी अपडेट बाय डॉक्टर श्रीकांत वर्मा, एमबीबीएस मेंटर एंड मोटिवेटर, सेरिबेलम एकेडमी। हियर इज वन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन फॉर द फर्स्ट एमबीबीएस बैच 2023-24। यस, योर बैच अक्रॉस द इंडिया इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 1st ऑफ अगस्त। लेकिन एक न्यूज आई है, एक अपडेट आया है, जिसकी कुछ लाइनें मैं आपको पढ़ के बता रहा हूँ। न्यूज में लिखा हुआ है, मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में ऑल इंडिया कोटे की 15% सीटों पर एडमिशन के लिए काउंसलिंग गुरुवार को शुरू हुई, जिसमें चयनित छात्रों को 31 जुलाई से 4 अगस्त तक संबंधित कॉलेजों में एडमिशन लेना होगा। पहले चरण की काउंसलिंग में ऑल इंडिया कोटे से गिनती के छात्र एडमिशन लेते हैं, क्योंकि वे अपनी पसंद का कॉलेज चाहते हैं। वहीं पर स्टेट कोटे की काउंसलिंग बाद में शुरू होगी, लगभग 25 जुलाई से शुरू होगी। अलग अलग स्टेट में ये अलग अलग ड्यूरेशन रहेगा। तो बच्चों, 1 अगस्त को जब आप अपने कॉलेज पहुंचेंगे तो बैच काफी खाली लगेगी, और उस समय सभी बच्चे नहीं आ पाए, इसलिए पढ़ाई पूरे तरीके से अपना फुल फोर्स में नहीं रन कर पाएगी। लेकिन आपको अपनी पढ़ाई करते रहनी है, क्या क्या बुक्स लगनी है, किस तरीके से रहना है, ये सारी चीजों की जानकारी के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। और जो बच्चे स्टेट काउंसलिंग के थ्रू लेट में एडमिशन लेंगे, वो भी हमारे साथ सेरिबेलम एकेडमी के साथ कनेक्टेड रहें। आप लोगों के अपडेट के लिए हम वीडियो बनाते रहेंगे कि किस तरीके से फर्स्ट एमबीबीएस को, मेडिकल लाइफ को, एमबीबीएस को हमको हैंडल करना है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ट्यून्ड।